आप लोग बहुत विरास सुने होंगे रामायण से महाभारत से। मैं एक अनोखा विरास आप लोगों के बीच में गाने जा रहा हूं। आजकल का ढोंग और भेदभाव के लेकर के लोगन में इतना दुराव हो गई बहो बाबू। कवि जी बिरहा की भूमिका में चार लाइन भाव लिखलन अंजे भैया कैसे। ए बाबू भक्ति प्रबल भावना में छिपी है, श्रद्धा सबल है तो शक्ति दिलाती, इंसान भगवान का नूर पाता, हर बाता जहां में असर जब दिखाती, आवे अहम भाव जब भी हृदय में, हर नासूर बन के कहर गिराती, अपने ही कर्मों पर रोती मनुजता, हर नर को नारायण श्रद्धा बनाते। हमारे हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों में भक्ति के लिए अलग अलग मार्ग बतावल गेल बा हो बाबू। माथे पर टीका लगा के गेरुआ वस्त्र पहन के मंदिर में घंटा बजौला से राम का भक्ति ना होला। कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन बिरहा के अंदर एक ठे गजल का टुकड़ा लागल बा कौन गीत बा। कोई आशिक अपनी मासूका से कह रहा है कैसे। अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा कि जौना आदमी के अंदर इंसानियत नहीं खे, जेके दूसरा के प्रति मोह प्यार नहीं खे, वो इस समाज में रह लायक ना होला। भाव में कहना बा कैसे। अरे आदमी कहलाऊ, कहा लाऊं जे
से भरल होला। यहवे से हमारी विराह का शुरुआत हो गई। एक समय की बात है, अर्जुन महाभारत की लड़ाई जीतने के बाद उनके अंदर घमंड हो गया। मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया से कहलन, ए प्रभु, अरे हमारे जैसा शक्तिशाली धनुर्धर ये दुनिया में क्यों ना हो। भगवान जी सोच के लंक लगता है अर्जुन के अंदर अहंकार भर गया है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। कहला कि ठीक है अर्जुन, तुम्हारे जैसा बलवान धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तने हमारे मन में एक विचार आ रहा है कि चलो चलते हैं कहीं शिकार खेलने के लिए। गर्मी का दिन रहल, ए बाबू, सूर्य भगवान खूब गर्मी कैले हवन, ले करके पहुंचलन घनघोर जंगल में शिकार खेलने के लिए। मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया के इतना जोर से प्यास लगल, कहला कि ये अर्जुन तनी प्यास लगल बा, पानी पिया दो। सर की लाइन में कहना बा कैसे, मुसहर से कहे श्याम अपना देर लगाओ, मुसहर से कहे श्याम अपना देर लगाओ, कैसे बहुत है देर से तुम पानी पिलाओ। अधर्म होगा धर्म सोचते, लेके मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया अर्जुन के चलल हवन बिरवान जंगल में। ठीक दुपारी का समय बाप, गर्मी होत बाप, इतना तेज कृष्ण भगवान का प्यास लगल। कहला कि ये अर्जुन, अगर आज हमके पानी ना पिए बत लागत हमार जान निकल जाए। इधर उधर वन में अर्जुन जी देखा तो वहां कहीं तालाब कुआं कहीं मिली तो अपनी प्रभु कृष्ण भगवान के हम पानी पियौतीन। तब तक मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया का नजरिया, ए बाबू,
जंगलवा में एक झोपड़ी पर पड़ल। अर्जुन के लेके पहुंचना, कहना कि अर्जुन चलो झोपड़ी दिखाई दे रही है, वही कुछ पानी मिलेगा। लेके पहुंचलन, देखलन कि एक नीच जात जे के आज के जमाना में कहल जला हो बाबू, मुसहर का झोपड़ी रहल। मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया का पियसिया बढ़त जातवा, वो जात की मुसहर से कहला करे कुछ हमको पानी पिलाओ, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। लेकिन अर्जुन जी की मनवा में ये बात कि तू नीच जात का पानी पियबा, एक समाज के अंदर हमन के ऊपर कलंक लाग जाई कि एक अछूत का पानी पी के खुद हमन का अछूत बन जाए जा। बाबू कृष्ण भगवान नाम अन्नन आज मुसहर की घर जा करके ओकर लोटा से पानी पिए लगलन। आ जब पानी पियत हो तो मुसहरवा कितना खुश होता, बिरहा में गीत लागल। उहे गीत बा कौन कि मन कर सिलवटी पर लोढ़ा से, मन कर सिलवट पर लोढ़ा से पूछत जवानी रजऊ, मन कर सिलवट पर लोढ़ा से पूछत जवानी रजऊ, हो कवना हो कवना हो कवना सोवत संग काटा तर चाली लगा के मछर दानी रजऊ, हो कवना सर। आज लोटा में पानी लिया के मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया के पियावत हो, कृष्ण भगवान अजोरिया रोपले हवन, जात का मुसहर बड़ी प्यार से पानी पियावत बा। कैसे पियावत बा? मुसहर मगन होई के मनवा में, मुसहर मगन होई के मनवा में पनिया हर मकाना होई के मनावा में पनिया गिरावे लगले, हो जा तू नाता अपन घर के अजोरिया पियासिया बुझावे लगले, मुसहर मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया के पानी पियावत हो बाबू। जब पानी पियावत बा अजोरिया में पनिया पियत हम, ओकर बूंद पनिया का नीचवा टपकत बा, तो का होत बा? कपड़ा पर पनिया के दाग लागल गिरे, मोहन के तारे रे धीरे धीरे, तनी को खिनाल नया छूटावा से धर्मवा के नावे लगले, तनिको घिनाल नया छूटावा से
मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया के पानी पियावत बाप। आज पानी का बूंद अजोरी में से टपक के जमीन पर गिरत हो बाबू, जमीन का माटी छटक के उनके धोती पर लगत बा। अर्जुन जी काला कह रहे मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया, अरे जदुवंश का नायक हुआ, आज नीच जात का पानी पी के अपन धर्म खराब कर दिया बाबू। जब इतनी बतिया मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया सुन लो हो अर्जुन के समझौलन का कहलन बाबू, अरे अर्जुन से बोले मदन हो मुरारी, अरे अर्जुन से बोले मगन हो मुरारी, अस्पृश्यता में नजर है तुम्हारी, सेवरी थी पहली धर्म क्रांतिकारी, झूठी पैर से प्रभु को संवारी। काला कह रहे अर्जुन बुला मत, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सेवरी नीच जात के हाथ कहो झूठ बैर खिले रहलन, आज तुम के धर्म सिखावत हो। काला मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया अर्जुन से, अरे बताओ तुम ही यार विचार करके, क्या इनकार कर पाए उस दम करारी। काला के जया सेवरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जुटकी बैरिया खियावत रहे हो, काहे तैया भगवान राम ओके मना ना कपूलन। काला के इंसानियत से कट जाओ, अरे इंसानियत से कट जाओ, घृणा से हट जाओ, काला के मानवता से कट जाओ, घृणा से हट जाओ, हरम मानवता से कट जाओ, घृणा से हट जाओ। इंसानियत के लिए क्या सही है, सबसे तो मिलके रहो यार खिलके, फैलाओ करुणा मानवता यही है। काला के जात पात भेदभाव के लेके बड़का हमके तू ज्ञान दे बेला, हमके तीनों लोग का पता बा कहां का होता, हमके का करे के बा। बाबू हो जब इतनी बतिया अर्जुन सुनलन उनका गुस्सा रुकात नहीं खेल। काला के ठीक है जब तुम्हारी ये विचार बात कहो, लेकिन अर्जुन जी कृष्ण भगवान से एक बात कहो ना विराम गीत बा। गंगा माई को गीत मेहरारू कैसे गावेले, यही पार गंगा माई हो वही पार जमुना हो, दिमाग खराब हो गई बा। का कहत मन एकदम हो गई ला पागल, कुरुता में बगिया लागल, I'm not afraid.
बतिया पर दाग लागल बा, कहीं लेके समाज में जेबा कहल कि जे मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया होकर धोती इतना गंदा, ये कैसे साफ होई? कृष्ण भगवान कहल कि एक टेंशन तू छोड़ दे, हमर लेके अगर उपाय बा। कौन उपाय? धोतिया के कपड़ा दियाई उहे दगिया छोड़ाई, कृष्ण भगवान कहलन कि जब तो के इतना शर्म आवत बात लो ही कपड़ा ले जाके धोबी के दे के चली आवा, धोबी साफ कर दे एक तब ले के आई हम पहर के फिर तुम्हारे घर चलब। वही सही भाई ए बाबू, आज अर्जुन ले के कपड़वा पहुंचलन धोबिया के घर में देख के आई लवन, धोबियो जनलस की मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया का धोती है, बड़ी प्यार से धोवत बा, कैसे धोवत बा उसने बिरहा में गीत ला गई। उहे गीत बा बड़ी पुरान, हर लागल बाप चुनरिया बिचवा दाग हो बिना जनले सुनले। लेकिन ये बाबू आज धोबी कृष्ण भगवान का धोती लेके पहुंचल बा धोबी घाट पे पोखरा के किनारे धोवे, आ कैसे धोत बाप? अरे धोबिया हो छोड़ावे लागल दाग हो पोखरा के तिरावा, पोखरा के किनारे पाटा पर लेके धोबी धोती के पिटत बा, लेकिन उदाग छूटत ना बा हो बाबू, आखिर में मजबूर निराश हो के धोतिया के लेके उ धोबिया दतवा से छुड़ावे लगल कि कहीं एमे दाग रह न जाओ। लेकिन जब उ धोबी दांत से धोती के दाग छुड़ावत बा, उसने भैल का बिरहा में गीत लगे, अरे साली हम ना पहिना पर राजा, कि साली हम ना पहिना पर राजा रेलिया के ड्राइवर, साली हम ना पहिना पर समय धोबिया के अंदर शरीर में एक छे परिवर्तन भइल, आ कवन परिवर्तन भइल बा? कि धोबिया भइल बा जवान बनिया दाग के घोटाइल, धोबिया भइल बा जवान बनिया
एकदम 22 साल उमरिया हटा कंटा भइल सरिया मारे पखर में उफान पनिया दाग के घोटाए पाटा पर कपड़ा धोत बा उस समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अरे जवना धोबी के उम्र 70-80 साल का बूढ़ा का उम्र बा आज 21-22 साल का नौजवान लड़का बन गेल हो बाबू। वही समय वो धोबी का औरत जन बुढ़िया धोबिनिया बा घर से खाना लेके चलल की धोबिया सुबह के गइल बा पाटा पे कपड़ा धोता लेके चली बुखाई लोई खाना लेके पहुंचल बाबू जा देखलस का देखले भाव बा कि बुढ़िया भोजन लेके बुढ़िया भोजन लेके आयल देखलस की बुढ़वा हमार धोबी लौकत ना बा यहाँ तो एक नौजवान लड़का कपड़ा धोत बा। जब नजरिया पड़ल वो लड़कवा से बुढ़िया पूछलस की अरे बाबू ए बेटा हमार अदमी अला कपड़ा धोवे कहाँ गेलन। जब इतनी बतिया नौजवान लड़का सुनलस हो जौन बूढ़ से जवान बनल बा उ धोबिनिया से एक बात कहलस हो बाबू कवन बात कहलस बिरहा में गीत बदल गई गीत के सोना डी में मेला लागे ला लवंडा गावे लन कैसे अरे कवना अरे कवना करवला ये पियावा घरे बैठावला ये पियावा घरे बात सुन के जवन नौजवान लड़का पोखरा के किनारे कपड़ा धोत बा ओ बुढ़िया से कहलस करे सुना सुना है ने आवा कौना बुढ़वा के खोजत बाड़ू उ लड़कवा कहले बा रमेश भैया लगा तू आवा बुढ़ी खाना वाहो खिया खाना वाहो खिया वा।
हमके दूल्हा हमार बनत भाई हमके बुझात अब शब्द कहत बा आज गुस्सा में दुबिनिया कहलस कि ए बाबू सुनो तोहरो शादी विवाह होई तू आऊ हमन की उम्र कहबा मजाक मत करो का कहलस बुढ़िया अरे हम से मजाक करत पहुंच समाज हो नवकी बहुरी आए बाबू नवकी बहुरी आए बाबू सोई है से जरिया धोबिनिया समझावत बहु नौजवान लड़का के ए बाबू तू हूँ शादी ब्याह करबा हमारे को उम्र तोहर होई आज ए बूढ़ औरत से काम मजाक करत बड़ो जब इतनी बतिया उ जौन धोबिया बूढ़ से जवान भइल बा धोबिनिया के बुलाए कलश की आवाज सुनेगो तो के हम बात बताई बुला के कलश का ए बाबू बिरहा में टेरी का भाव लगल कर बतिया हरे बताई तो से दिल का बतिया कलश की आवे अद्भुत लीला भगवान का समझाई बताई तो से दिल का बतिया आज वो बुढ़िया क्यों नौजवान लड़का समझावत बा उसने विराग की पपट में भाव लगल नौजवान लड़का कहत बकाप अरे कपड़ा धोवे के दियल भगवान सरोवर तिरवा पे दान छोड़ावत भैलिया सयान सरोवर तिरवा पे कहलस की अरे अब ही पूरा दाग नहीं खे ये धोबिन हमारा से धोवाइल हो अरे चूसे खातिर तक तो है अब धोबिन भी लुभाइल हो अरे कर परीक्षा पानी के दरम्यान सरोवर तिरवा पे अरे परम सुंदरी बन गई दिल जान नौजवान लड़का धोबिया जोन बनल बा अपनी औरत से कलश की सुनो हमारी तो आज बुढ़वा धोबी है आज हम जवान भैली एक रहस्य सुन लो बैठा के समझावत वही पाटा परे बाबू कलश की मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया का धोती आयल बा देखा हुए धोती के दाग छुड़ावे में ना छूटत रहल हम दात से छुड़ौनी हमारी शरीर में परिवर्तन हो गई हम नौजवान हो गई थोड़ा सा दगिया बचल बा ए बूढ़ी तो हूँ छोड़ा ले तू तो फिर एक बार जवानी हमन के लौट जाए ए बाबू आज धोबिन भी ले करके आज दांते से वो धोती का दाग छुड़ावत बहो और दोनों में परिवर्तन हो गए शरीर का दोनों नौजवान हो गए लन इधर मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया अर्जुन के बोलौला की सुना
अरे हमार के कितना दिन जंगलवा में रह ली, जा धोपिया के घर से हमार धोतिया लेके आवा पहिर के चलल जान। वो समय बुला के कहला के अल्लाह में भाव लगल। आज वही जंगल में से मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया अर्जुन से कालन, ए अर्जुन शाम का समय हो गया, अंधेरा होखे वाला बाप, अब बिहान भी हो गए, अरे धोबिया के कपड़ा दिहल बा जाके लेके आवो पहिर के चलल जा घरे। आज बाबू मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया का बात मान करके अर्जुन जी पहुंचलन ओ धोबी के घरे। ओ धोबिनिया जौन बूढ़ राल हो बाबू, जौन धोतिया छोड़ावत में दगिया छोड़ावत में जवान भैल घरवा में से पहरवा निकलल, करस के बताई सरकार का देश बा का कॉल चाहता नहीं। अर्जुन जी के लगल कि ये जौन धोबिया बा ओकर पतोए है। कला अर्जुन जी के धोबिन, अरे तोर सास कहाँ बड़ी, जा के तनी बुला के ले आओ, हम भगवान का कपड़ा दिले धोवे खातिर, लिया के दाम हम लेके जाई। आज बुढ़िया कलश की ओ जवान पतोहिया कलश के प्रभु सुन ले, हम बूढ़ रहन लेके अब बूढ़ नहीं खीम, अब हमर जवान हो गए लीन। अर्जुन जी कलक कैसे सगरी दास्तान बतौलस हो दुबिनिया, कलश की जवान धोतिया लेके आये हलो, दगिया लागल हल कपड़वा पर उहे छोड़ावत में आज हमारी शरीरिया में परिवर्तन हो गया, आज हम जवान बन गिल बानी। अर्जुन जी की बतिया में अर्जुन जी की दिमगवा में ये बात लगल, धोती वोती छोड़ के पहुंचलन भगवान कृष्ण की लगे, कल के प्रभु लेके चलो मुसहरवा की घरवा, जवन दगिया धोतिया पतू लगौल एक में रवरी पनिया पी लेता हो, हम दगिया छोड़ा के तने हम जवान हुए थी। मदन मुरारी के लगे पहुंचलन भैल का बाप, अरे पनिया पियावो हमके धर्म से मिटावो मोन, धर्म
जाके मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया भगवान का पैरवा पकड़ लेलन, कहने की प्रभु लेके चला एक बार ओ मुसहरवा की घरवा, एक बार हम पनिया पी के अपने आप के तरन तार कर लेती। भगवान जी कहला कि अर्जुन यह अवसर बार बार नहीं आता है, पहले ही कहला कि नीच जात का पानी पी के बड़का तू भगवान बनल। आज के समय के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जवन भेदभाव लोगन के अंदर बा हो, एक दूसरे के डिवाइड करत बांटत बा, जब तक ये भेदभाव रही ए बाबू कौनो प्रकार का धर्म का विस्तार ना हो पाई, लोगन में एकता ना जाग पाई। आज मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया अर्जुन से एगो बात कहल खड़ी के लाइन में, क्या कहल ये बात कहल कि अरे पीना, अरे पीना है अगर पानी तो प्यास चाहिए, हे बाबू भक्ति खातिर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। कहला के जुटाई टीका लगा के गले में कंठी माला पहिर के गेरुआ वस्त्र दे पधारण करके मंदिर में घंटा बजा के राम नाम करब, इ दुनिया समाज के देखावा करब, ऐसे तोहार तरन तार ना हुई, अब पाप के भागी बन जाएगे। कहला कि तो एक से काम करे के पड़ी, का कहलन ये अर्जुन जी से कृष्ण भगवान कहलन कि अरे कैले परियाई मुकद्दर नाही खिली, मदन मुरारी कृष्ण कन्हैया अर्जुन से कहला कि सुला पर्याय से भक्ति ना होला, भक्ति करे के बाप दिल हृदय मन मस्तिष्क विचार स्वच्छ होना चाहिए, तभी आपके अंदर भक्ति का प्रकोप होगा, भक्ति मिलेगी, बरियाई से कोनो काम ना होला। है बाबू विराह का आखिरी लाइन में कहना बाब, अरे गुरु चरण का हो सभा में कहे कभी संतोष, अरे पता ही तो दिल के बतिया सोनू।